हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के उपयोग और फायदे के बारे में कि किन किन बीमारी में जो है इसका इस्तेमाल लिया जाता है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है और इस दवा का क्या कोई साइड इफेक्ट भी होता है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये विटामिन ई का कैप्सूल है जिसके अंदर जो है विटामिन ई जो है 400 मिलीग्राम मिल जाएगा। ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है जो कि आपको एवियन नाम से मिल जाएगा। यह जो है प्रोटेक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। प्राइस की बात करें तो 78 रुपीज यानी 78 रुपया में जो है आपको 20 कैप्सूल का एक पत्ता मिल जाएगा। कुछ इस तरह के स्टिप लुक में एक पत्ता जो है आता है। अब बात करें इसके क्या क्या फायदे है, तो देखिए इसका दो तरह से यूज किया जा सकता है, एक तो टॉपिकली और दूसरा जो है सिस्टमेटिक। टॉपिकली जो है ये हमारे शरीर के अंदर भी जाने पर काम करता है और एक जो है हमारे स्किन पर लगाने पर भी काम करता है। तो अगर हम ओरली इसको लेते हैं बॉडी के अंदर तो ये भी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो बात करें कि क्या क्या इसके फायदे है, तो देखिए ये जो है स्किन को ग्लो करने में मदद करता है। हमारे जो स्किन है, त्वचा है, उसमें चमक लाता है, चमक को बरकरार रखता है और हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। जो डेड सेल है स्किनों के, जो डेड सेल है उसको हटाता है और हमारे सेल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह जो है इस कैप्सूल को फेस पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर जो है लगाया जाता है तो स्किन जो है काफ़ी ग्लो कर जाता है। इसका इस्तेमाल जो है हेयर फॉल में भी किया जाता है। व्यक्ति में बाल जब झड़ते हैं तो उस स्थिति में भी जो है ये बालों में लगाने पे भी जो है बाल झड़ने की जो समस्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा जो है जो एक हीमोलाइटिक एनेमिया होता है उस कंडीशन में भी जो है ये दिया जाता है जब RBC ब्रेक डाउन होने लगता है। और इसके अलावा व्यक्ति के जब रात के समय जो है मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगता है, जो मसल होता है, पिंडलियां होता है, उसमें दर्द होने लगता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए भी जो है ये जो है विटामिन ई का कैप्सूल जो है काफ़ी फायदे करता है। ये जो है सपोर्टिंग के तौर पे जो है ये कैप्सूल दिया जाता है। इसके अलावा जो है ये बच्चों में भी दिया जा सकता है, लेकिन बच्चों में जो है खाने के लिए नहीं दिया जा सकता है, बच्चों के स्किन पर लगाने के लिए। तो बच्चे हो या महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते बच्चों को जो है स्किनों पर ही सिर्फ यूज करना होता है। ये जो है बच्चों के शरीर पर जो सूजन हो जाता है या अल्जाइमर डिजीज होता है, मानसिक रोग, उसको भी रोकने में मदद करता है। लेकिन बच्चों में इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर अपने जो है नॉलेज के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो है देते हैं। इसके अलावा ये जो है पुरुष बांझपन को भी ठीक करने के लिए सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पे या विटामिन सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है गुण होता है जो कि बॉडी को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को बचाता है। यह मुहासे को ठीक करता है, चेहरे पे जो है दाग धब्बे, मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स होते हैं, उनको ये उस प्रॉब्लम को ठीक करता है। त्वचा को नेचुरल चमक लाता है, चमक लाने में मदद करता है। और जो है ये जो है पेट या जो स्तन होते हैं या जांग होते हैं उस पर जो स्टेज मार्क होता है उस मार्क को भी हटाने में मदद करता है। तो ये ओवरऑल बहुत ही फायदे करता है। ज़्यादातर जो है ये स्किनों के लिए और बालों के लिए फायदेमंद होता है। अब बात करें इसको कैसे यूज करना है, तो देखिए इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहली बात की जो है एक जो है ओरली ले लिया जाता है खाने के लिए, तो खाने में जो है महिला या पुरुष कोई भी ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है बड़े व्यक्तियों में लेना है, बच्चों में नहीं लेना है। 18 साल से कम या 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं लेना है। तो अगर ओरली लिया जाता है तो कितनी मात्रा में लेना है, तो एक कैप्सूल जो है एक टाइम या ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर दो टाइम दिया जा सकता है। इसे 15 से 20 दिनों तक जो है दिया जाता है। और बात करें कि इसके जो है स्किनों पर कैसे लगाना है, तो देखिए स्किनों पर लगाना हो तो आपको एक चम्मच जो है मुल्तानी मिट्टी लेना है, एक चम्मच रोज वाटर लेना है,
और एक चम्मच दूध दूध लेना है और ये एक कैप्सूल फोड़ कर उसमें डाल देना है और अच्छी तरह से मिलाकर आप अपने चेहरे पे रात को अप्लाई कर दीजिए और लगा लेना है और लगाकर अच्छी तरह से लगाकर सो जाइए। आपको सुबह रात भर वैसे ही रहने देना है और सुबह में उसको जो है उसे धो लीजिए। इस तरह से आप 20 से 25 दिन अगर आप ऐसे अप्लाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महीने दिन तक अप्लाई करते हैं, तो आपके चेहरे में एक अलग ही तरह के निखार ग्लो आ जाएगा। आपकी पिम्पल्स सभी पिम्पल्स जो है धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए बाल में लगाना है तो बाल में लगाने के लिए आप एक कैप्सूल लीजिए और थोड़े से जो है थोड़े से मात्रा में जो है आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं या नारियल का तेल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, उसमें डालकर ये मिलाकर आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इससे बाल की जो झड़ने की समस्या वो कम हो जाती है। अब बात करें कि इसको खाना कैसे, ये तो हो गया जो है स्किनों पर अप्लाई करने के लिए। ओरली कैसे लेना है, तो ओरली तो बताए ही, एक एक कैप्सूल जो है सुबह में लेना है या रात में खाना खाने के बाद लीजिए। एक कैप्सूल डेली ले सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है ज़रूरत होने पे, लेकिन एक कैप्सूल ही काफ़ी होता है। जनरली एक ही कैप्सूल एक दिन में लीजिए खाना खाने के बाद, और बच्चों में तो देना ही नहीं है। अब बात करें इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो देखिए नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। अगर खाए हैं ओरली ले रहे हैं तो नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, पेटों में दर्द हो सकता है। और अगर टॉपिकल लगाए हैं स्किनों पे या आपने जहाँ भी स्किनों पे लगाए हैं अप्लाई किए हैं, हो सकते हैं वहाँ पे जो है आपको रेसेज देखने को मिल सकता है, वहाँ खुजली हो सकता है, चकते जैसा हो सकता है, तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अगर इस तरह के कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। अब बात करें इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो देखिए इसको बच्चों में ओरली नहीं देना है, मतलब खिलाना नहीं है। बच्चों के स्किनों पे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह से आप बच्चों के स्किनों पर भी अप्लाई ना करें। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो या डायबिटिक पेशेंट हो, लीवर रिलेटेड या किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उनमें डॉक्टर की सलाह से ही ये जो है कैप्सूल देना चाहिए। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में ये कैप्सूल जो है न दीजिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को जो है किसी प्रकार के इसमें उपस्थित इंग्रेडिएंट जो कि विटामिन ई है, उसे किसी प्रकार के एलर्जी होता है, तो उस कंडीशन में भी जो है ये कैप्सूल उन्हें नहीं देना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को जो है ब्लड थिनर दवा चल रहा है, तो उसके साथ भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस दवा को इस्तेमाल करने के बाद अगर ओरली ले रहे हैं तो अल्कोहल का भी सेवन ना करें। तो दोस्तों ये था विटामिन ई कैप्सूल के फायदे, इस्तेमाल, उसके यूज और डोज, सभी जानकारियाँ। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।